टीम इंडिया के लिए श्रीलंका जाने से पहले खुशखबरी, ये दो दिग्गज बने फील्डिंग बॉलिंग कोच, फिटनेस टेस्ट पर भी मिली राहत। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ मुख्य कोच के रूप में साथ जाएंगे। इस दौरे पर टीम दिलीप और परस महाबरे उनके सहयोगी होंगे। दिलीप फील्डिंग कोच होंगे तो महाबरे के पास बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी होगी। इस दौरे पर भारत को 3 और 3 T20 मैच खेलने हैं। यह दौरा 13 जुलाई से 25 जुलाई तक चलेगा। शिखर धवन को टीम इंडिया का कोच बनाया गया। द्रविड़ और महाबरे दोनों नेशनल क्रिकेट अकादमी में भी साथ हैं और भारत की जूनियर क्रिकेट टीमों के काफी समय से जुड़े हुए हैं। दिलीप की स्पोर्ट्स स्टाफ में नियुक्ति चौंकाने वाली है। 39 साल के दिलीप अभी हैदराबाद टीम के फील्डिंग कोच थे और पहले इंडिया ए के साथ रहे हैं। उन्होंने 2019 में टीम इंडिया के स्पोर्ट स्टाफ के लिए भी इंटरव्यू दिया था। तब टीम इंडिया की चयन समिति के मुखिया MSK प्रसाद ने उनकी कोचिंग स्किल्स की काफी तारीफ की थी। वहीं इस दौरे पर जाने वाले खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नहीं कराए जाने की खबर है। करीक बज के अनुसार कोरोना महामारी के चलते जो टेस्ट और 2 किलोमीटर की दौड़ के फिटनेस बेंचमार्क में छूट दी गई है। नहीं तो टीम का ऐलान किए जाने से पहले चयन समिति खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराने पर जोर देती। इसका मतलब है कि वरुण चक्रवर्ती श्रीलंका दौरे पर खेल सकते हैं। वे इससे पहले भी 2 बार टीम इंडिया में चुने गए थे, लेकिन दोनों बार खराब फिटनेस के चलते खेल नहीं पाए थे। श्रीलंका दौरे के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया गया। इसमें 5 नेट बॉलर भी हैं। श्रीलंका के लिए रवाना होने से पहले 14 जून से सभी खिलाड़ी मुंबई में 14 दिन के लिए आइसोलेशन में जाएंगे। श्रीलंका पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को 3 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। इस दौरान अपने कमरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद खिलाड़ी अभ्यास शुरू कर सकेंगे। इस दौरे से पहले टीम के लिए कोई तैयारी कैंप आयोजित नहीं हुआ। कोच द्रविड़ का मानना है कि कैंप के बजाय कम से कम 7 दिन तक प्रैक्टिस बेहतर रहेगी। ऐसे में श्रीलंका में टीम इंडिया 13 जुलाई को सीरीज की शुरुआत से पहले इंट्रा स्क्वाड मुकाबले खेलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।